भाई साहब क्या है? एक सिगरेट मिलेगी? ये बड़े घर के लोग जेल को भी अपने बाप का घर समझते हैं। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं कुछ नहीं, बीड़ी चलेगी। बीड़ी? ये चाबी लो, दरवाजा खोल दो, इनकी जमानत हो गई है। चलो, हमारी जमानत हो चुकी है। तुम्हें कहो मिस्टर प्रथम, विश्वनाथ जी ने अपनी रिपोर्ट वापस ले ली है और तुम्हारी जमानत भी दे दी है। आई एम सॉरी पापा, वो गलती से शशांक। आई नो बेटा, जानबूझकर तुम ऐसा थोड़ी ही करोगे। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और आइंदा गाड़ी जरा संभाल के चलाना। ओके? जी बाबा, आई एम सॉरी शशांक। इट्स ओके जीजू, गलती मेरी भी थी। एनीवेज फॉरगेट इट, चलिए। चलो बेटे। लेकिन पापा, आपको कैसे पता चला कि? तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, उन्होंने बताया कि तुम जेल में हो, तो हम फौरन दौड़े चले आए। एनीवे गो, लेट्स गो। थैंक यू इंस्पेक्टर। ओके। सुनाई नहीं देता क्या पूछ रहा हूं मैं तुम लोगों से? कहां है राजेश, संजय और अजय? क्या पूछ रहा हूं मैं तुम लोगों से? समझ गया मैं, अपने लाडले को बचाने गए होंगे। मैं भी देखता हूं किस तरह बचता है प्रथम इस बार। फोन उठाया क्यों नहीं? काट क्यों दिया? नहीं, वो बात कीजिए ना, आप कीजिए ना बात। आपने भी काट दिया? अरे बात क्यों नहीं की? भाई साहब को फोन था तो बात तो करनी चाहिए ना। मैं भाई साहब से बात नहीं कर सकता, वो गुस्से में होंगे। अरे देख रहे हैं ना, हम लोग किस टेंशन से गुजर रहे हैं। अब कोई जरूरी बात होगी तो ये लो, आप बात करिए ना। बात करनी चाहिए तो आप कीजिए ना। हिम्मत नहीं है फोन उठाने की। आने दो, तीनों को दिखाता हूं मैं। क्या हुआ? बात कीजिए। आप घर आ गए ना, आप घर पे बात कर लेंगे उनसे। अच्छा प्रथम, हम चलते हैं, मित्तल साहब को बाद में मिल लेंगे। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वंस अगेन पापा। नो 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 नो, थैंक यू बिटवीन अस। ओके, थैंक्स। बाय जीजू। आ गए तुम? तुम्हारे तीनों चाचू कहां हैं जो तुम्हें छुड़ा कर लाए? बाबूजी, वो गौरी के पापा ने मेरी जमानत दी है और उन्होंने केस भी वापस ले लिया। प्रथम बेटा, तू आ गया? तुम तीनों कहां से आ रहे हो? ऑफिस से।
बोल दिया झूठ, तुम लोगों का लाडला मिल गई तसल्ली। गौरी ये अगर आज बचा है तो बस तुम्हारी वजह से। ये तीनों तो इसे किसी भी कीमत पर बचा नहीं पाते। ये रब्बा मेरे रब्बा का लेटेस्ट रीमिक्स है। रब्बा 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 मेरे रब्बा 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 मेरे रब्बा रब्बा मेरे रब्बा 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 मेरे रब्बा इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ। ये कैसा लगा तुम्हें? बहुत ही अच्छा था। तो एक और गाना सुनो। दिल को तुषार एक मिनट, मैं गाना तो बाद में भी सुन सकती हूँ राइट? हाँ मगर फिर क्या करेंगे हम? पहले ये बताओ कि तुमने उस बारे में सोचा? किस बारे में? यही कि हम यहाँ क्यों मिले हैं। वेरी सिंपल, हम रेस्टोरेंट में गाना गा नहीं सकते इसलिए हम यहाँ पर मिले, है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं। तुषार तुम्हें जो पसंद था वो तुमने किया राइट? सो डोंट यू थिंक जो मुझे पसंद है वो भी हमें करना चाहिए? दैट मीन्स कि तुम गाना गाना चाहती हो, दैट्स ग्रेट। आई लव म्यूजिक, चाहे तुम गाना गाओ चाहे मैं गाना गाऊं, बात तो एक ही है। चलो शुरू हो जाओ, सुनाओ गाना। तुषार एक मिनट, मैं गाना नहीं गाना चाहती और तुम्हें क्या म्यूजिक के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है? मगर यार फिर हम करेंगे क्या? लेट्स पार्टी। पार्टी? या लेट्स फ्रीक आउट। फ्रीक आउट मगर कैसे और कहाँ? मैं बताती हूँ, चलो उतरो गाड़ी से। अरे मगर कम ऑन, गेट डाउन, गेट डाउन, हरी अप, पर गेट डाउन तुषार। मम्मी जी आप? गौरी जरा मेरे साथ आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बैठो। गौरी वो शशांक के एक्सीडेंट को लेकर तुम प्रथम से नाराज हो ना, लेकिन उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, तो फिर तुम उसे माफ क्यों नहीं करती थी? उसे अपने गलती का एहसास हो रहा है और गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। देखो बेटा अगर तुम इसी तरह उसे रूठे रहोगे तो वो डिस्टर्ब हो आप कब आए? अभी जब तुम अपने बेटे को डांटने के बजाय इसे समझा रही थी। जी मैं तो वो कब तक गायत्री, आखिर कब तक ये लड़का यूं ही गलतियों पर गलतियां करता रहेगा और तुम लोग उसे माफ करते रहोगे? हमेशा गलती भी वही करे और उसी की खुशी का ख्याल रखा जाए और तुम हो कि इसे समझाने के बजाय। देखिए उसे ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है, अपनी गलती को छुपाने की कोशिश की है ना उसने। गायत्री भगवान ना करे अगर गौरी के भाई को कुछ हो जाता तो क्या करते हम? आप क्यों तरफदारी कर रहे हैं इतनी? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, वैसे भी मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं था। अगर मेरे बस में होता तो गौरी इस घर की बहू कभी नहीं बन पाती। बहरहाल मैं गौरी का पक्ष नहीं ले रहा हूं गायत्री, जो बात गलत है वो गलत है। अगर प्रथम ने गलती की है तो सजा उसी को मिलनी चाहिए। हाँ अगर तुम लोग प्रथम की गलती को नजरअंदाज कर रहे हो तो करो, लेकिन कम से कम उस लड़की को एहसास तो मत दिलाओ ना कि प्रथम का उससे नाराज होना गलत बात है। हाँ मगर वो तो नहीं नहीं गायत्री मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, लेकिन एक बात जानता हूं, दुनिया का बुरे से बुरा आदमी सुधर सकता है लेकिन तुम्हारा बेटा प्रथम जो है वो कभी नहीं सुधर पाएगा, क्योंकि इस घर के लोग उसे सुधरने का मौका ही नहीं देते। बोला ना सॉरी, अब क्या जाकर पैर पकड़ लूं तुम्हारे भाई के? अरे गलती हुई है मुझसे, कोई गुनाह नहीं किया है मैंने। तुम कुछ भी कह लो प्रथम, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। वो तो मम्मी जी ने मेरे पापा को फोन करके बता दिया इसलिए तुम बच गए, वरना क्या?
कितने दिनों तक रख लेते पुलिस वाले मुझे जेल में? दो दिन, चार दिन, छह दिन? अरे जब तुम्हारा भाई सही सलामत है तो मुझे सजा किस बात की मिलती? प्रथम तुम ज्यादा आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है गौरी, अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। द वॉर इज नॉट एंडेड गौरी, वॉर इज नॉट एंडेड। नहीं प्रथम, आज तक तो हमारे बीच सिर्फ झगड़ा था, वॉर तो अब शुरू हुई है। द वॉर हैज जस्ट बिगन। बड़ीजा जी, हमारी पूजा हो गई, अब हम जाएं? कहाँ जाना है तुम लोगों को? जान तो कहीं नहीं है, लेकिन देखो बेटे, खेलने कूदने को सारा दिन पड़ा है, थोड़ा वक्त भगवान की भक्ति में भी दिया करो। दादी जाने दीजिए ना प्लीज, भगवान का ध्यान हम बाद में कर लेंगे। चुप कर, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? हे माँ, मेरे इन बच्चों को माफ कर देना। चलो बच्चों, जल्दी से आंखें बंद करो और माँ का नाम लो। आंखें बंद करो बेटे। हे माँ, पंडित जी बता रहे थे कि सच्चे दिल से प्रार्थना करने से आपके दर्शन होते हैं, मुझ पर कृपा कब होगी माँ? मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुई। बच्चे लोग, तुम लोगों ने कुछ सुना? माँ बोली नहीं, हमने तो कुछ नहीं सुना। सिर्फ तू ही मेरी आवाज सुन सकती है, क्योंकि तू ही मेरी सच्ची भक्त है। मांग क्या मांगती है तू? हे माँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे सही रास्ता दिखाना। तथास्तु। पर तू मेरी एक बात सुन ले। हाँ। तू मेरी भक्ति औरों पे मत थोपा कर, जो मेरी भक्ति नहीं करना चाहता उसे मत बोल भक्ति करने को, समझी? माँ मगर मैं तो, तू मेरी बात पूरी होने दे, तू अपनी देवरानी जैसी बन जा, उससे कुछ सीख। तेरी देवरानी अच्छी है, तू उसकी बात मान लिया कर, उससे झगड़ा मत किया कर, समझी? समझी, सब समझ गई। शर्म नहीं आती? अरे काहे की शर्म, तू बच्चों को जबरदस्ती पूजा में लेके क्यों बैठती है? अरे मैं कहाँ बिठाती हूँ, वो खुद आके बैठते हैं पूजा के लिए। अरे वो तो प्रसाद लेने आए थे। क्या? और नहीं तो क्या, हमारे परिवार की सलामती के लिए तेरी पूजा काफी है, समझी? औरों पे मत थोपा कर, समझी? क्यों बच्चों? हाँ दादी, हाँ दादी। हाँ बच्चों, तुम प्रसाद लेकर अपने अपने काम पर जाओ। अच्छा ठीक है। छोटी, समझ में नहीं आता तू बड़ी कब होगी? जब तक तू है तब तक नहीं। हे भगवान, इतने सारे बच्चों को संभालू या इस छोटी को संभालू, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। एनीवेज, आपकी भी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। ओके भाई। गुड मॉर्निंग सर। अरे मिस्टर समय, आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। अरे वाह वाह, बैठो भाई। आज अचानक इधर कैसे? वो दरअसल मैं यहाँ पास ही में मीटिंग के लिए आया था, तो सोचा आपसे मिलता चलूं। भाई वेरी गुड। आप कुछ परेशान लग रहे हैं अंकल, सब कुछ ठीक ठाक तो है? हाँ बेटा, दरअसल बात क्या है कि मित्तल साहब के गोडाउन की लीज इस महीने के एंड में खत्म हो रही, और जहाँ हम अपना माल शिफ्ट करने वाले थे वहाँ के ऑनर ने अपनी जगह बेचा ली। What? हाँ, वो भी तब जबकि मैं उसे हर महीने का 3.5 लाख रुपया दे रहा था। अब बेटा समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी जगह का इंतजाम कैसे करूं। अंकल आप फिक्र मत कीजिए, आप हमारा गोदाम 3 महीने और यूज कर सकते हैं। रियली? अब लेकिन बेटा मित्तल साहब। हाँ बड़े पापा से मैं बात कर लूंगा। एक्सक्यूज मी। हाँ मेरा बोलो। हाँ मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए। हाँ मीटिंग के बाद फोन करूंगा। ओके। हाँ और सुनो सुनो, वो सिंघानिया साहब जो हमारा गोडाउन यूज कर रहे हैं ना, वो 3 महीने और यूज करेंगे। पर सर अगले हफ्ते हमारा सामान आने वाला है।
उसका क्या होगा सर? मेरा उसका बंदोबस्त कर लेंगे। तुम एक काम करो, तुम गोंसाल्विस को फोन करो और उससे कह दो कि हमारा सामान हम उसके गोदाम में रखेंगे। बट सर गोंसाल्विस तो मैंने जितना कहा उतना करो मेरा जी। हाँ, और अगर उसे कुछ प्रॉब्लम है तो उसे कह दो कि मुझे फोन करें। ओके ओके सर। बेटा मेरी वजह से तुम्हें बहुत सी परेशानी सहनी पड़ रही है। अरे डोंट वरी अंकल, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी वेरी। देखिए ये बार बार थैंक यू कहकर ना आप मुझे बहुत छोटा बना रहे हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। ओके बेटा। किसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐ हर जाई, मिलो है खामोशी, बरसो है तन्हाई, भूली दुनिया कभी की तुझे भी मुझे भी, फिर क्यों मैंने ऑफ किया है। ये क्या सुनती रहती है तू? मासी मासी इतना अच्छा गाना था। नंदनी जब कोई इंसान दुखी होता है ना तो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता है ताकि उसका दुख उसके चेहरे पर ना दिखे। क्या बात है मासी, आज आप बहुत फिलोसफिकल बातें कर रही हैं। फिलोसफिकल नहीं, प्रैक्टिकल बातें कर रही हूँ। अब मेरी एक और प्रैक्टिकल बात सुन, तू अपनी दूसरी शादी के बारे में सोच। देख नंदनी बुरा मत मानना, लेकिन इस घर में तो तेरी फिक्र किसी को भी नहीं, सब अपने बीवी बच्चों में ही बिजी रहते हैं। एक मैं ही हूं जो हरदम तेरे बारे में सोचती रहती हूँ। मुझे तो लगता है दूसरी शादी ही तेरे इस अकेलेपन का इलाज है। दूसरी शादी से तेरी जिंदगी को एक मकसद मिल जाएगा, तेरी खुशियां लौट आएंगी। मुझे जो लगता है मैंने तुझे बोल दिया, आगे तेरी मर्जी। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ लेकिन मेरी इस बात पर गौर जरूर करना। बाय। प्रथम जल्दी करो, एक घंटे से तो अंदर बैठे हो, मुझे जाकर पूजा भी करनी है। प्रथम मैंने कहा था ना मुझे देर लगेगी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। प्रथम दरवाजा खोलो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस गौरी? गौरी लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो गौरी। ये क्या बदतमीजी है, लाइट क्यों ऑफ की तुमने? किससे पूछकर लाइट ऑफ की तुमने? गौरी मैं तुमसे बात कर रहा हूं। गौरी डोंट डिस्टर्ब मी। यू नीड एनी हेल्प? नो नो थैंक्स। ओके बाय। बहुत शौक था ना अंदर जाने का, अब अंदर ही रहो।